कंगाल है तभी तो उसका निगाह तुम्हारा जायदाद पे पड़ा हुआ है। अब हमको ही देख लो। अरे भाई, हमारे पास इतना पैसा है कि हमको गिनने का कोनो फुर्सत ही नहीं मिलता, तो हम दूसरे के पैसे पे काहे सेंध रखेंगे भाई, बताओ। और ये आपके लिए क्या है? ये मम्मी बहन जी, सारा बच्चे ने ना आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है जी। और देखो ना, जो उसकी जान है, लाडली है उसकी बिटिया तारा। हाय अल्लाह, हम तो सोच रहे हैं चाकर ले आएंगे उसको। वो नहीं आएगी, बहुत है जुलम करती हो तुम उस पर। अच्छा अभी तुम बचकर सोचो कि तुमने कहाँ कहाँ कौन कौन की गलती की है। अरे भाई हम चलते हैं भाई। मिस नाइन बैठो ना, कैसे जा रहे हो? बैठो तुम, डरती रहो बैठ के। बहुत ही खराब है ये मिस नाइन। तारों के साथ कुछ नहीं किया, हम जाकर बबली के घर से तारों को लेकर आ जाएंगे। वीर लल्ला हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो वीर लल्ला। आप हैं, आप से ना, ये क्या सब किया आपने, क्या गिरा दिया ये? हैं अब ये क्या धड़पड़ धड़पड़ करते रहते हैं सारा दिन घर पर? आप शांति से नहीं कर सकते कुछ भी? डर गए हम। नहीं अम्बा, मैं जानता हूं कि तुम क्यों डरी। तुम इसलिए डरी क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है, तुमने गलती की है और तुम्हें इस बात का पूरा एहसास है। राम साहू जी, आप भी ना वही राग फिर से अलापने लगे गलती की। आपके उस गलती शब्द को 100 बार कहने से वो गलती में नहीं बदल जाएगी। हमने कुछ नहीं किया। हाँ, झूठ को बार बार बोलने से भी वो सच नहीं बन जाता है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि यदि आप 100 बार ये कहोगे कि अम्बा तुमने गलती की है, तो 100 बार कहने से अम्बा की वो गलती थोड़ी हो जाएगी। हमने कोई गलती नहीं की है, फिर कह देते हैं अम्बा तुमने गलती की है। देखो अब भी वक्त है, अपनी FIR वापस ले लो और मम्मी को वापस बुला लो। साहू जी, अगर आपने ये बात दोबारा करी ना, तो हम ये घर छोड़ के ना आपका चली जाएंगे सदा के लिए। हाँ, जो लोग दूसरों की जिंदगी में आग लगाते हैं ना, उनके अपने खुद के हाथ उसी आग में जल जाते हैं। अरे तुम्हारा पति हूं, तुम्हारी चिंता है मुझे, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं अम्बा। आप कुछ ना कहें, चुप ही रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप जब भी बोलेंगे ना उस पम्मी की तरफदारी कर ही बोलेंगे। और अब तो इतना हो गया है ना साहू जी, आप तो पम्मी की तरफदारी के लिए कुछ भी बातें भी बना देंगे। साहू जी, आपका दिल और आप, माने या ना माने कि उसने गलती की है या नहीं, लेकिन हमारी नजरों में पम्मी ने गलत किया है तो किया है, और हम अम्बा उस पम्मी को गलती की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। जो मर्जी में है तुम वो करो। पम्मी, तुम देखती रहना, अब तो हम तुम पर ऐसा पलटवार करेंगे ना जिसका निशान नहीं होगा, लेकिन दर्द ऐसा होगा ना बौखलार तिल मिला जाओगी तुम। देखती रहना तुम। और वीर लल्ला, आप हमसे बहुत ही नाराज है ना, हम बस सब कुछ ठीक कर देंगे, आपकी नाराजगी दूर कर देंगे लल्ला, और आपको हम खुश कर देंगे। हाँ, तो हर भाभी वीर ना दीदी, बैठो। जे तो लगा था कि तेरी रोनी सूरत दोबारा देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन लगता है कि तुझे ये जगह कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई। क्या हुआ, जमानत नहीं हुई? कोर्ट तो गई थी ना? मेरे पास वकील नहीं था तो जमानत नहीं हो पाई। और तेरे रिश्तेदार, वो कहां मर गए? जमानत नहीं कराई गई उनसे? आज तक कभी
कोर्ट कचहरी वकील की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसे पता था कि कभी यहां पर भी आऊंगी। पता होता तो वकील ढूंढ लेती। सही कह रही है तू। अब देख, मैंने तो एक परमानेंट वकील ही रख लिया है। अपना तो रोज का आना जाना लगा ही रहता है ना। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, मेरा तो वही मतलब था। वो बिल्कुल सही कह रही है। अब आम आदमी के लिए कोर्ट कचहरी जेल ये सब फिल्मी है। अब वो पहले से तैयारी करके तो नहीं बैठेगा ना। लेकिन तू परेशान मत हो, बाहर इतने ज्यादा सब्जी वाले नहीं है जितने वकील बैठे हैं। कोई ना कोई वकील तो तेरे लिए मिल ही जाएगा। आपको तो आज जमानत मिलने वाली थी ना। हाँ, मेरी जमानत तो हो गई। कल मेरा लड़का आएगा, 15,000 भर देगा, उसके बाद हसीना आजाद। हसीना, ये ले, तेरे घर से टिफिन आए। मेरे घर से तो खाना आ गया, अब पहले पेट पूजा। तेरे घर से खाना नहीं आया? आया है ना, मेरी बेटी कोर्ट में लाई थी, पहली बार अपने हाथों से बनाने की कोशिश की। तू खाया क्यों नहीं? भूख भूख मर गई है। पागल हो गई है क्या? जिस इंसान की भूख मर जाती है ना, उसे मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। चला, खाना खा मेरे साथ। मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले मेरे साथ खाना खाएगी। तुझे बोला ना, अभी खाएगी तू मेरे साथ खाना। चला खा। एक बात बताइए, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मुझे तेरी फिक्र नहीं है। तुझे पता है, इस लॉकअप में बहुत औरतें आती हैं और कितनी निर्दोष भी होती हैं, लेकिन मुझे मुझे सिर्फ तेरी बेटी की फिक्र हो रही है। तुझे पता है, बच्चे बहुत शरारती होते हैं और बहुत जिद्दी भी होते हैं, लेकिन वो ये तभी तक करते हैं जब उनकी माँ का साया उनके सिर पर होता है। जब माँ का साया हट जाता है ना, तब उनकी सारी शरारतें खत्म हो जाती हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। बाप शराबी था, किसके गले लग के रोती? कोई नहीं था मेरे पास। बाप ने शादी करा दी, पति बहुत पीटता था, तब माँ की बहुत याद आती थी, किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। माँ होती तो बोलती ना। फिर एक दिन इतना बड़ा कदम उठा लिया कि बस आ गई इस जेल में। तब सोचा, काश अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। इसीलिए मुझे तेरी बेटी की फिक्र होती है। ये लोग रात भर जाग रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन तेरी बेटी के पास कौन है? उसकी हिफाजत कौन करेगा? उसके ताऊ जी हैं और मेरी सहेली, वो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। और माँ? माँ तो नहीं है ना उसके पास। अपने बच्चे के लिए एक गाय भी सींग मार देती है। और कोई भी अपने बच्चे की ही हिफाजत कर पाता है, दूसरे के बच्चे की हिफाजत कोई नहीं करता। एक दिन वो भी हार मान लेंगे। इसीलिए तुझे कह रही हूं, जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जा, अपनी बच्ची के पास जा। अरे तारा पुत्र, बच्चे तूने खाना शुरू नहीं किया अभी तक? चल खाना खा ले, तूने कुछ खाया नहीं है बेटा। मम्मी बहन जी आएंगी, बोलेंगी मेरी बेटी का तो ध्यान ही नहीं रखा मैंने। चल खाना खा ले। हाँ, थैंक यू बबली आंटी। अरे पागल, अब मम्मी बहन जी की थैंक यू बोलने की कसर तू पूरी कर दे। हैं? अरे नहीं बबली आंटी, सच में
आपने कितना कुछ करा हमारे लिए, और अगर आप नहीं होती तो पता नहीं ताई जी मेरा क्या करती। अरे अभी तो मैं हूं ना पुत्र, चल तू फिकर मत कर और अभी खाना खा, और जब तक मम्मी बहन जी वापस नहीं आ जाती ना, तू मेरे पास ही रहने वाली है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ चल खाना खा। इतनी रात को कौन आ सकता है भाई, मैं देखती हूँ पुत्र। अरे नहीं रहने दीजिए ना बबली आंटी, प्लीज पता नहीं कौन होगा इतनी रात को। अरे तारा पुत्र तू फिकर मत कर बच्चे, मैं देखती हूँ कौन है, देखने तो दे मुझे। हाँ प्लीज। अरे मैं हूँ ना, तू मुझ पे भरोसा रख, मैं देख कर आती हूँ कौन है भाई। इतनी रात को मेरे घर पे मिलने की। अंबा बहन जी तुसी यहाँ? आए हाय बेचारी, देखो ना माँ ने अपनों से दगा करी और पहुंच गई जेल में, और बेटी गहरों की अपनी बनी है और उनके निवाले तोड़ रही है। हाय बिटिया रानी, अगर माँ नहीं है तो क्या हुआ, तेरा तो अपना घर है ना, चल अपने घर चल, चल मैं तुझे लेने आई हूँ। अपना घर अपना, अपनों से बनता है अंबा जी, और तारा का उस घर में अब अपना कोई नहीं है, इससे तारा वहां नहीं जाएगी। तू कौन है? मैं पम्मी बहन जी की बहन जैसी। बहन जैसी है ना, बहन तो नहीं है बबली। क्या है ना, बहन और बहन जैसी होने में ना बड़ा ही फर्क होता है। अम्बा बहन जी रिश्ते दिल से बनते हैं, लेकिन तुसी ना ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि तुसी तो ना खून के रिश्ते ही नहीं निभा पाए हो, तो दिल के रिश्तों को क्या समझोगे जी। आए हाय बबली, खून का रिश्ता ही तो निभा रही हूँ। अब देखना तारा बिटिया है हमारे वीर लल्ला की बेटी, इसमें उनका खून है, तो बस हुआ ना इससे खून का रिश्ता। इसीलिए तो इस बच्ची को जो हमारे खानदान की है, ऐसे किसी गैर के घर में दर दर की ठोकरे खाने तो नहीं छोड़ सकती, बस इसीलिए लेने आई हूँ। चल तारा के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह आप हो, लेकिन मैं ना आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, इसलिए अब आप जा सकते हो जी। बबली तू शायद ये भूल गई है कि तू किससे बात कर रही, तू इस मोहल्ले में रहती है ना, इसलिए हम तेरा लिहाज कर रहे हैं, वरना सब जानते हैं कि अंबा किसी का लिहाज नहीं करती। और जहां तक बहस की बात है ना, तो हमारे पास भी इतना वक्त नहीं है कि हम तुझसे बहस करें। देख हम तुझे कानून बताते हैं, कानून कहता है कि अगर किसी नाबालिग बच्चे के सर पर उसके माँ बाप ना हो, वो अनाथ हो जाए ना, तो उस बच्चे की जिम्मेवारी उसके अपने रिश्तेदारों के ऊपर आ पड़ती है, अपने रिश्तेदारों के ऊपर जो के हम हैं। अब हम बहुत ही सोचे और सोच कर देखा कि ये बबली चड्ढा नाम की तो हमारी कोई रिश्तेदार है नहीं। मैं रिश्तेदार हूं या ना हूं, लेकिन पम्मी बहन जी अपनी बिटिया की जिम्मेदारी मेरे ऊपर देकर गई है, इसलिए तारा बिटिया कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो तारा की जिम्मेदारी मुझे देकर गई है। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो
इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी जिम्मेवारी जरूर पम्मी ने ना किसी कागज पे लिखी होगी, फिर दस्तखत किया होगा, सही कराई होगी। अब ऐसे ही तो नहीं तारा के हाथ तेरे हाथ पे देकर बोला होगा, भाई जब तक हम ना आए तू इसकी जिम्मेवारी संभालना। तू जा अंदर, हम इंतजार कर रहे हैं, वो जरा कागज दिखा कर ला। नहीं बबली आंटी, जब तक मम्मा नहीं आ जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाय मेरी बच्ची। अब तू देखना, भाग्य में लिखा ना कोई टाल ही नहीं सकता तारा बिटिया। अब तू आंसू बहा या नदियां बहा, सत्य तो यही है ना, जो तेरी माँ ने किया है ना, अब वो कभी बाहर आएगी ही नहीं, जेल में ही रहेगी। अब जब तक वो नहीं आएगी तो क्या तू ऐसे गैरों के यहाँ दर बदर की ठोकरें खाती रहेगी? इसलिए मैं तुझे लेने आई हूं ना, चल घर चल, मेरी मम्मा वापस जरूर आएंगी। मैं तुझे लेने आई हूं ना, चल घर चल, मेरी मम्मा वापस जरूर आएंगी। कैसे आएगी बेटा, कैसे आएगी? देखना तेरी माँ ने क्या किया, अरे अपनी ही रिश्तेदारी में तेरी अपनी ताई जी को पैसे के, जमीन और जायदाद के लालच में आकर ना मारने की कोशिश की है। और इस चीज की ना बहुत ही बड़ी सजा होती है बेटी। तेरी माँ तो नहीं आ पाएगी, इस बात को मान जा तारा बिटिया। मम्मा ने कुछ नहीं किया, आपने उन्हें झूठ बोलकर फंसाया है, ये सब आपकी चाल है। हाय 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 राम, देखो तो यही संस्कार दिए हैं तुझे तेरी माँ ने, है अपने बड़ों से इस तरह से बात की जाती है क्या? तारा बिटिया से ऐसे बात नहीं कर सकती। तू तो चुप ही रहे बबली, हम तारा से कैसे भी बोले ये हमारे और हमारे परिवार का मामला है, समझी तू? देख एक बात तुझे बताते हैं पब्लिक, इसकी माँ को तो लोक लाज की परवाह है नहीं, ना समाज की, हमें है। हमारे घर की और खानदानी की बदनामी हो ये हमें कतई मंजूर नहीं। हम साहू खानदान से हैं। सुन दुनिया में क्या बातें कर रहे हैं कि देखो पम्मी के जेल जाने के बाद वीर की भाभी ने उसकी बच्ची को घर से निकाल दिया। अब जो कर्म हमने किया ही नहीं उसके लिए भला हम किसी और से क्यों सुने? अब कोई हमारे घर पर और हम पर उंगली उठाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए तारा बिटिया घर तो तुझे चलना ही पड़ेगा, अब चाहे तू रो कर चल या खुशी खुशी चल, हैं? आप तारा के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अच्छा तुझे पता है बबली हम क्या कर सकती हैं और क्या नहीं? सांप का काटा ना एक बार को बच भी जाता है, लेकिन अंबा से जो एक बार भी उलझता है ना वो बच नहीं पाता। हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। सुनो हम यहां से सीधा निकलेंगी और पुलिस थाने जाएंगी, रिपोर्ट लिखवाएंगी कि बबली चड्ढा ने एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपने ही घर में छुपा रखा है। फिर पुलिस यहाँ आएगी, तेरे हाथों में हथकड़ियां पहनाएगी, थाने ले जाएगी और उसी जेल में बिठाएगी जहाँ तेरी पम्मी बहन जी है। फिर वहां पर दोनों बहनें ना खूब बैठकर रोना, समझी? बबली आंटी रह दीजिए ना, रात की तो बात है, फिर सुबह मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान रख। चल
क्या हुआ? मच्छरों की मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई? सोच, जितना ये मच्छर प्यार लुटा रहे हैं ना, अगर रिश्तेदार भी लुटाते तो कितना अच्छा होता। ये प्यार कहाँ लुटा रहे हैं? ये तो खून चूसते हैं। तो रिश्तेदार भी तो खून ही चूसते हैं। रिश्तेदार तो होने ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कुछ अलग सोचती हूँ। मेरे हिसाब से तो रिश्तेदार रिश्ते दोस्त होने चाहिए। मानती हूँ कि इनके रहते कभी कभी तकलीफ होती है, ऊंच नीच हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन लेकिन जीने की वजह भी तो मिलती है, एक परिवार मिलता है, वरना सिर्फ अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं। धन्य है भारत की नारी। तेरी जेठानी ने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाकर यहाँ नरक में भेज दिया, उन अपनों की अच्छाई कर रही है। मैं जीजी को अच्छी तरह जानती हूँ। जब गुस्से में होती है ना, उनके कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रही है, लेकिन लेकिन दिल की बुरी नहीं है। कुछ नहीं हो सकता तेरा, ये कंबल ले ले और ओढ़ ले। नहीं, मैं ठीक हूँ। दिख रहा है कि कितनी ठीक है, चल इसे ओढ़ ले। नहीं, फिर आप क्या ओढ़ेंगी? मेरी तो इन मच्छरों से दोस्ती हो गई है। अब क्या है कि रोज का आना जाना लगा रहता है ना, तो पहचानने लगे हैं। अब तो खून भी नहीं चूसते। एक बात पूछूं? पूछ। आपको डर नहीं लगता जेल से? लगता था, जेल के नाम से ही डरती थी। जेल को तो नरक मानती थी, लेकिन जब पहली बार आई तो लगा कि अपने घर वालों और परिवार वालों का नाम खराब कर रही, लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ छुट्टियां मनाने आती हूँ।